हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी एंड गवर्नमेंट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 46 जो रेजिमेंटल सेंटर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड जो भर्ती की डेट है ना, वो बताने वाला हूँ मैं आपको आज। और ये केवल एक्सपेक्टेड डेट होने वाली है, ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं होती, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड आपको बता दूँगा। 90% चांसेस रहते हैं कि इसी के अंदर भर्ती होगी जो मैं बताऊँगा अभी आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1EME सेंटर सिकंदराबाद से। और इंडियन आर्मी में 46 अभी अवेलेबल हैं सेंटर जिनमें अभी ट्रेनिंग चलती है और जो अभी मतलब जहाँ पे भर्ती भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले है 1EME सेंटर सिकंदराबाद, यहाँ पे भर्ती अभी नोटिफिकेशन भी आया था कुछ दिन पहले और वीडियो भी डाली थी मैंने। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। उसमें बताया गया था कि सितंबर या फिर अक्टूबर में एक्सपेक्टेड डेट है इसकी भर्ती की। और 3EME और 1EME दोनों की भर्ती की एक्सपेक्टेड डेट सितंबर और अक्टूबर 2019 बताई गई है। इसके बाद 14 GTC में हो चुकी है अभी भर्ती, कुछ दिन पहले हुई थी जनवरी में, ये अभी हो चुकी है यहाँ पर भर्ती। स्पोर्ट्स GD और ट्रेडमैन म्यूजिशियन सब कुछ थी यहाँ पे भर्ती। इसके बाद 1STC जबलपुर, यहाँ पे भर्ती पिछले साल हुई थी 2018 में और अभी इस साल की कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है इसकी। अगर शायद हो सके तो जून जुलाई में हो सकती है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कुछ भी इसका। 3EME सेंटर, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि 3EME सेंटर में दोस्तों इसकी होगी अभी सितंबर अक्टूबर में। और इसके बाद है 39 GTC, 39 GTC इसका भी कुछ कन्फर्म नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पे शायद मई या फिर जून में हो सकती है। और 58 GTC का भी नहीं पता अभी। और आर्मी AA इस सेंटर में भी पिछले साल भर्ती नहीं हो पाई है और इस सेंटर में भी अभी अप्रैल तक भर्ती आने के चांसेस हैं इस सेंटर में, क्योंकि पिछले साल भी भर्ती नहीं आई थी जो सेकंड भर्ती थी इसकी जो होने वाली थी। इसके बाद AEC सेंटर पचमढ़ी, इसमें भर्ती अभी होती नहीं है, GD की वगैरह कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है इस सेंटर की। AMC लखनऊ में भी भर्ती नहीं हुई दूसरी बार, पहली बार तो हो गई थी और दूसरी वाली नहीं हो पाई। और अभी इसकी भर्ती होगी दूसरी, वो होगी मई की लास्ट वीक या फिर अभी जून की फर्स्ट वीक में हो सकती है भर्ती। बाकी देखते हैं दोस्तों इनमें क्या होता है। अभी AOC सिकंदराबाद की अभी हो चुकी है भर्ती, अभी 7 जनवरी के आसपास थी, अभी इसका रिटर्न होगा फरवरी में। और APS सेंटर को तो क्लोज कर दिया है अभी, इसमें भर्ती आने का कोई चांस ही नहीं है। आर्मड में भी भर्ती नहीं हो पाई दूसरी, और आर्मड में भी मुझको लगता है कि जून के आसपास ही होगी, पिछले साल भी तभी हुई थी भर्ती और जून जुलाई के आसपास ही हो सकती है यहाँ पे भर्ती, जून जुलाई या फिर अगस्त। और इसके बाद RT सेंटर नासिक, इसमें 2 बार हो चुकी है भर्ती और अभी इसकी भर्ती शायद मई या फिर जून में हो सकती है, अभी देखते हैं इसकी डेट को। और जो RT हैदराबाद है उसकी डेट शायद अभी मार्च या फिर अप्रैल में होगी भर्ती, अगर अभी नहीं हो पाती है भर्ती क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई थी, हो सकता है कि कैंसिल कर भी दें वो लोग, तो फिर भर्ती हो सकती है जून जुलाई के आसपास। इसके बाद है दोस्तों ASC बेंगलोर, और इनमें भी भर्ती नहीं हुई सेकेंड वाली जो होनी चाहिए थी, तो इसका भी मुझको लगता है कि इसकी भर्ती लगभग जून के आसपास ही होगी इस सेंटर में भर्ती। और इसके बाद है साउथ नॉर्थ, इनके दोनों की आसपास ही होगी जो होगी। असम रेजिमेंट, इसका भी कुछ पता नहीं है कब होती है, कंफर्म नहीं है इसकी भर्ती। इसके बाद है BG, इसमें भी भर्ती मतलब जून के आसपास ही होती है, मई या फिर जून के आसपास, तो इसमें भी जून के आसपास ही चांसेस हैं भर्ती के। और एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ दोस्तों मैं, एक्सपेक्टेड है ये मंथ, मैं ये कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ कि आपको कि हाँ, लेकिन 80-90% इन्हीं मंथ में होने वाली हैं भर्तियाँ। और इसके बाद है बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप जो किरकी है, इसका सेंटर BEG किरकी,
इसमें भी भर्ती नहीं आई है जो सेकंड वाली है, और इसका भी शायद वही है कि भर्ती मई में हो सकती है या फिर जून में हो सकती है। बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं दोस्तों, मई जून के आसपास में बहुत ज़्यादा सेंटरों में आएंगी। कम से कम पिछले साल भी 20 से 20 के आसपास सेंटर थे जिनमें मई या फिर जून के अंदर भर्ती थी। इसके बाद है मद्रास, नहीं सॉरी, बीजी रुड़की। बीजी रुड़की की बात करें तो दोस्तों बीजी रुड़की में भी भर्ती की कोई चांसेस नहीं है, अभी मई में ही होगी यहाँ पे भर्ती। और सेंटर का नंबर भी है मेरे पास, अगर सेंटर का नंबर चाहिए तो वैसे मैं वीडियो में यहाँ पे नंबर डाल दूँगा तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे नीचे मिलेगा आपको वीडियो में। और फिर है उसके बाद CMP। CMP में भी दोस्तों एक ही भर्ती हुई थी लास्ट मंथ, पिछले साल हुई थी जो, उसके बाद अभी तक भर्ती नहीं हुई है, तो शायद इसमें भी जून में हो सकती है भर्ती। और इंटेलिजेंस कॉप्स में तो भर्ती होती नहीं है, कभी कभार होती है, वो भी ट्रेडमैन की होती है 3-4 साल में एक बार, यहाँ पे भर्ती होती नहीं है। गढ़वाल राइफल्स में भी 2 बार होनी चाहिए थी, शायद गढ़वाल राइफल्स में 2 बार नहीं हुई पिछले साल भी, तो इसमें भी शायद इसमें मई या फिर जून में होने के चांसेस हैं इसके भी। और ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर, यहाँ पे भर्ती हो सकती है लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में और या फिर मार्च के लास्ट वीक में, और गेम्स स्टार्ट हो जाएंगे इसके फरवरी या फिर मार्च में, इस जो स्पोर्ट्स भर्ती है वो। और डोगरा रेजिमेंट में फरवरी में होनी चाहिए वैसे तो भर्ती, लेकिन अभी तक कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, तो लगता है इसकी भी भर्ती शायद मई जून में होने वाली है, लेकिन होनी चाहिए इसकी भर्ती क्योंकि पिछले साल भी नहीं हो पाई इसकी भर्ती। और जैक लाई रेजिमेंट श्रीनगर, इसमें भी मई के आसपास होने वाली है भर्ती। और जब अब ये जैक राइफल्स, इसमें दोस्तों भर्ती आ चुकी है अभी 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक भर्ती है, और म्यूजिशियन की ओपन भर्ती है इसमें, मैंने वीडियो बना रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। इसके बाद है कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर, कुमाऊँ रेजिमेंट में दोस्तों मई की फर्स्ट वीक में या फिर सेकंड वीक में भर्ती हो सकती है, या फिर अप्रैल की लास्ट वीक में हो सकती है भर्ती यहाँ पर। लद्दाख स्काउट्स में भी पिछले साल मई जून के आसपास भर्ती हुई थी, उसके बाद इस सेंटर में भी भर्ती नहीं हुई है अभी, और इस साल भी मुझको लगता है कि मई के आसपास ही भर्ती होने वाली है इस सेंटर में भी। तो बहुत ज़्यादा सेंटर हैं जिनमें मई या फिर जून में भर्तियाँ आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा सेंटर हैं ऐसे। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर विलिंगटन, इस सेंटर में अभी भर्ती आ चुकी है, 22 जनवरी के आसपास भर्ती है इस सेंटर में, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देने वाला हूँ। और मराठा लाइट इन्फेंट्री, इसमें भी शायद एक ही भर्ती आई है, नहीं 2 आ चुकी हैं शायद इसमें भर्ती, हाँ 2 आ चुकी हैं, तो इसमें अभी कोई चांस नहीं है, नेक्स्ट ईयर अभी इस ईयर में लगभग अगस्त या फिर सितंबर में हो सकती है इस सेंटर में भर्ती, लेकिन जून में भी हो सकती है, इसमें अभी कंफर्म नहीं है इसका। और राजपूत रेजिमेंट सेंटर फतेहगढ़, इसमें मई में भर्ती हो सकती है सेकंड वीक के आसपास या फिर अप्रैल में। और राजपूताना राइफल्स में अभी एडमिट कार्ड लेने गए थे तो उसमें बताया गया कि राजरिफ सेंटर में अप्रैल में होने वाली है भर्ती 20 तारीख के आसपास, और स्पोर्ट्स की भर्ती अभी स्टार्ट हो जाएगी मार्च या फिर फरवरी में। और सिखलाई रेजिमेंट, इसमें भर्ती अप्रैल के आसपास हो सकती है या फिर मई के आसपास, और सिख रेजिमेंट में भी यही है। मैकनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, इसमें जून या फिर जुलाई में भर्ती हो सकती है, जुलाई के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकती है या फिर जून के लास्ट वीक से। पैरा रेजिमेंट में भी जून के आसपास ही भर्ती होने वाली है, और प्रेजेंट्स बॉडीगार्ड में तो भर्ती कभी कभार ही होती है, जैसे कि वो भी ओपन भर्ती होती है, रिलेशन भर्ती नहीं होती है। RVC मेरठ, मेरठ RVC में भर्ती पिछले साल शायद भर्ती ही नहीं आई सेंटर में, और शायद जून या फिर मई में आई थी, उसके बाद भर्ती आई नहीं है सेंटर में, और साल में एक ही बार आई है उससे पिछले साल भी शायद। और इस सेंटर में दोस्तों GD में अदर को नहीं लेते हैं, लेकिन NA में अदर को लेते हैं इस सेंटर में। और इसके बाद है PN और कॉप्स बेंगलोर,
इस सेंटर में भी कुछ कन्फर्म नहीं रहता। जून में आई थी सेंटर में भी भर्ती, उसके बाद इस सेंटर में भी भर्ती नहीं आई है। और पहले इसमें दो बार होती थी, पता नहीं अब कुछ सेंटरों में गड़बड़ हो गई है कि एक ही बार हो रही है भर्ती। और अभी ज़्यादातर इसके बाद जो बच गया वो है जाट रेजिमेंट सेंटर। जाट रेजिमेंट सेंटर में भी भर्ती दोस्तों लगभग मई की लास्ट वीक के आसपास स्टार्ट होगी। और बाकी कोई सेंटर बच गया हो तो वो आप कमेंट करके बता देना, शायद कुछ सेंटर बचे हुए हैं मुझको लगता है ऐसा, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से सेंटर बाकी रह गए, मैं उनकी एक्सपेक्टेड डेट बता दूंगा आपको। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मतलब हर एक सेंटर के कमेंट आ रहे थे कि भाई इसकी बता दे इसकी बता दे, तो मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि मतलब सभी की क्लियर हो जाएगी मतलब। और बाकी अगर कोई सेंटर बचता है जैसे कि हाँ शायद महार रेजिमेंट नहीं है इसमें, तो महार रेजिमेंट की भर्ती इसमें वो होगी जून में, जून में होती है। पिछली साल भी जून या जुलाई के आसपास हुई थी, तो जून या जुलाई में होगी। फिर शायद दोबारा भी हुई थी इस सेंटर में, तो महार रेजिमेंट में दो बार हुई थी पिछली साल भर्ती, तो पिछले साल सेप्टेम्बर शायद सेप्टेम्बर अक्टूबर में हुई थी। और पहले भर्ती हुई थी वो हुई थी जून या जून में, और उसका रिटर्न शायद जुलाई या फिर अगस्त में हुआ था। फिर उसके बाद दोबारा से भर्ती आ गई थी बहुत जल्दी उस सेंटर में। कुछ सेंटर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जल्दी भर्ती आ जाती है। और अगर अदर सेंटर की बात करें तो दोस्तों अदर सेंटर में कहाँ पे भर्ती हो सकते हो आप, उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में अगर कुछ कमी रह गई है तो आप प्लीज़ बताइएगा मेरे को, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो। और अगर आपको कुछ सवाल या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको और कोई सेंटर अगर बच गया है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, मुझको लगता है कि एक दो सेंटर बाकी हैं अभी, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और बाकी अगर आपको कुछ पूछना है और एज या फिर और कुछ भी आपको फिजिकल के बारे में या रनिंग के बारे में, तो भी आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा 101%। तो दोस्तों इस वीडियो को जो शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर ज़रूर करें। और चैनल को दोस्तों नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स बिल्कुल तुरंत मिलें, आपको कुछ भी डिले ना हो पाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।